हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी के 15 लाख वाले जुमले पर प्रियंका का तंज। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए ही मिल जाएगा। आज गुजरात में कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने मोदी सरकार के 15 लाख रुपए देने वाले जुमले पर तंज कसते हुए कहा, इस चुनाव में आपके सामने कई मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन आपकी जागरूकता ही देश की भक्ति है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज रोजगार कहाँ है? 15 लाख जो खाते में आने वाले थे वो कहाँ गए? वोट की शक्ति का एहसास कराते हुए प्रियंका ने कहा, आपका वोट एक हथियार है, ऐसा हथियार जो आपको मजबूत करेगा। आपके लिए क्या अहम मुद्दे हैं? रोजगार, महिला, किसान के लिए क्या क्या किया जाए, यही मुद्दे हैं और यही उठने चाहिए। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की, देश को बचाना आपके हाथ में है, आने वाले समय में सही फैसला लीजिए, हमें मिलकर देश को बचाना होगा, इसके लिए काम करें और एक साथ आगे बढ़ें। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।